बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके बच्चे हैप्पी और खुशहाल होंगे। लेकिन आजकल के मुझे मैसेज ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों के, भाइयों के, कह रहे हैं कि आजकल डक के बच्चे एक्सपायर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और डेड इनशल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मौसम चेंज हो रहा है, इंशाल्लाह ताला बरसात का एंड है, तो जैसे ही मौसम चेंज होगा तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे भी एक्सपायर होंगे और बच्चे भी कुछ अपनी गलती से एक्सपायर होते हैं, सारा कुछ होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मेरी चैनल की पहली वीडियो भी यही थी कि भाई आप जो है ना बर्ड्स को जो है यानी कि डक के जो बच्चे हैं उनको खास लाजमी दिया करें, कोशिश किया करें सुबह भी और शाम को भी। ठीक है, सुबह जब आप अंडा डालते हैं उसके ऊपर ही सुरजी डाल के दे दिया करें और शाम को मदर टंग की दे दिया करें। तो वो माँ बाप बच्चे को फीड बहुत अच्छी कराती है, ठीक है, नरम होती है, एक बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है। दाना जो होता है वो गर्म होता है, बच्चों को जाता है हबस का महीना है तो वो बच्चे इसलिए एक्सपायर हो जाते हैं, कहता है पोटा भी फुल होता है तो इसलिए कि दाना बहुत गर्म होता है, मिक्स दाना होता है, उसमें गर्म चीज़ें सारा खाश होती है, ठंडी है पसीर उसकी ठंडी है और बच्चे के हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसका हाजमा भी दुरुस्त रहता है और बच्चा जो है सर्वाइव भी कर देता है और हजम भी कर देता है वो। तो कोशिश किया करें कि आप ये खशखाश जो है ना, मैंने 3-4 बार हर वक्त कहता हूँ कि इनके बच्चों को जब अलहदा भी कर लें कोशिश करें कि जल्दी अलहदा ना करें। अगर आपके दोबारा अंडे लेक कर भी दिए और उनके बच्चे आ भी गए हैं, जितनी देर तक छोड़ रहे हैं, जितनी देर तक आप देखें ना कि 3-4 दिन लगातार कि आप ये खुद खा रहे हैं, तो फिर इनको अलहदा करके कुछ हफ्ता में लगातार खशखाश दें, दाना भी दें, देसी कंगनी दें बस, और उसके साथ खशखाश थोड़ी थोड़ी डाल के रख दिया करें। बच्चे खाते हैं उसकी माशाल्लाह, एक तो सर्वाइव बड़ी जल्दी करते हैं माशाल्लाह, और बॉडी भी उसकी जिस्मानत भी के लिहाज से बहुत बेस्ट रहती है। तो दूसरा ये है कि हबस का महीना, इसका कोशिश करें एग्जॉस्ट का, अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो 12 वोल्ट वाला कूलर लगा लें, इसका मुंह बाहर की तरफ रखें कि अंदर से जितनी बड़ास है, जितनी हबस है, जितना वो सारा कुछ निकालें, अगर वो नहीं निकालेंगे तो उस वजह से आपका डेड इनशल का वो हो रहा है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं अपने भाइयों को दोस्तों को शेयर करता हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ मुझे आपकी सब्सक्राइब की, आपकी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना यूट्यूब की मुझे ज़रूरत है, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि आप लोग मुझे दुआ कर दिया करें। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, हशकाल जो आपने देखी होगी, ये हशकाल कई दोस्त होते हैं भाई, तुम्हें तुम्हें दिखाएँ ज़रा, कई दोस्त होते हैं कहते हैं कि भाई ये हशकाल किस तरह की होती है, क्या चीज़ है ये, भाई हशकाल है क्या चीज़ है। जो न्यू फ्रेंड्स हैं उनको, जो ब्रीडर हैं और जो पुराने जानवर हैं माशाल्लाह, वो तो कुछ सारे ग्रामीण हैं, सारा कुछ है, तो इसलिए जो है खशखाश लाजमी दें दोपहर को तो नहीं, सुबह शाम आप कोशिश करें दें, और साथ अंडा ब्रेड भी रोज़ाना दें, कुछ थोड़ी मिकदार में दें लेकिन दें लाजमी, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दोबारा डक से ब्रीड लेना चाहते हैं और दोबारा अंडे दें तो भाई अंडा देंगे तो अंडे के साथ अंडा आएगा देंगे, ठीक है, खाली अंडा नहीं, अंडा के साथ, जैसे कि मेरी दो वीडियो मैंने बनाई है सोपुर के लिए आपसे, तो वो देखें सोपुर में क्या क्या डलता है, जो डलता है तो वो डालें, विटामिन कैल्शियम प्रोटीन जो मैं डालता हूँ वो डालें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को शेयर करता हूँ, बताता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि भाइयों के लिए मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ। अगर आप लोगों को चकता है तो आप मुझे बता दिया करें, इंशाल्लाह ताला वीडियो में बना दिया करूँगा, क्योंकि मुझे रहनुमाई करनी होती है आप लोगों को, जितना मेरे पास इलम होता है, जितने मेरे पास होते हैं मैं आगे शेयर करना होता हूँ। कई नए फैंसर होते हैं जिसके माइंड में हो कि भाई मुझे भी, मैं ये वीडियो इस तरह की होनी चाहिए, यूट्यूब पर सर्च मारूँ, जब मैं यूट्यूब पर सर्च मारता था, न्यू फैंसर था तो मैं सर्च मारता था तो भाई ये चीज़ें नहीं निकलती थी, अब वही चीज़ें बना रहा हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इलम नहीं है, आप मुझे बता दिया करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना लिया करूँगा, जितना मेरे पास इलम होगा, मुझे नहीं होगा मैं अपने उस्ताद ग्रामीणों से पूछूंगा, इंशाल्लाह मेरे जो कि जो वीडियो बनती है बहुत अच्छी और बहुत प्यारी वीडियो बनती है और फ़ायदा भी होता है। भाई ये बर्ड ऐसी लाइन है, ठीक है, किसी की बातों में लग के, सबल बाग देख के, ट्रक की बत्ती मगर लग के आप लोगों ने बिजनेस नहीं शुरू करना, ठीक है, मार खाओगे और मार खाते रहते हैं ये लोग, न्यू कैंसर निकले हैं, मैंने भी बड़ी मारें खाई हैं ट्रक की बत्ती मगर लग के। आप सबसे पहले बर्ड को समझें, छोटी सी मकदार से शुरू करें, म्यूटेशनों पर ना जाएँ, जैसे कि लबड़ है म्यूटेशन है, लबड़ में म्यूटेशन आ रही हैं, देखो क्रिमिनो आ गया जी, अल्बाइनो ब्लूटू क्या चीज़ है, अल्बाइनो ब्लूटू 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का एक बेसक क्रीम, अगर कुछ कैंसर है तो उनको माशाल्लाह पता है, न्यू है वो भी आ रहा है, लो जी ब्लूटू अल्बाइनो, क्या उसकी खासियत है, क्रिमिनो निकालता है जी। ओ भाई आपने 1.5 लाख का एक पीस लेना है, ठीक है, आप 25-25 हज़ार रुपये के 2 क्रिमिनो लो, 30-30 हज़ार रुपये के 2 क्रिमिनो, 60 हज़ार में आपका पेड़ बन जाएगा, क्रिमिनो टू क्रिमिनो आएगा। ये स्प्लिटों को भाई फुद्दू बना के ब्लूटू कह के अब ये लूट रहे हैं, इन चीज़ों से बचें, आपकी मेहरबानी, म्यूटेशनों पर ना जाएँ,
बस वो खुदू बना रहे हैं न्यू फैंसलर को और हम बन रहे हैं, आपने हम बन रहे हैं पंजाब भी फ्री न्यू है और मैं भी अपने आप को न्यू समझता हूँ। मेरे पास भी लबड़ शुक्र हम लगा हुआ है 70-80 पे लबड़ का लगा हुआ है ठीक है, लेकिन कमर्शियल पे खेलें क्रिमिनो अल्बाइनो पारब्लू डिकिनो इन चीज़ों पर खेलें इंशाल्लाह ताला मार नहीं खाएंगे। और ये जो है ना ब्लूटूथ श्लूटूथ ये भाई सब बकवास है, ये सबक बाग है ट्रक की बत्ती मंग लगे ना भाई, ब्लूटूथ लगा के 1.5 लाख का एक पीस लेकर आना भाई, आपका माइंड जरा सोचें क्या हो गया हमारी आम भाइयों को, ब्लूटूथ का एक पीस 1.5 लाख का अल्बाइनो का क्या होता है उसकी क्या हैसियत है, वो क्रिमिनो निकालता है और भाई तो 25-25-30-30 लगता है कि दो क्रिमिनो ले आओ वो लगाओ क्रिमिनो निकलेगा, स्प्लिट दो उन्होंने ब्लूटूथ बना दिया है, सबक बाग दिखा रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं कि मेरे तो ये मटेशनों से बाहर निकले क्रिमिनो अल्बाइनो। मैं तो एक बात कहूँगा भाई, जितनी ज़्यादा क्लास चीज देना ना पार्टी भूखा नहीं मरता, बाकी वीडियो बड़ी हो जाती है माजरत के साथ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो भाई उसके लिए मैं माजरत पहले ही कर लेता हूँ, लेकिन जो दर हकीकत है वो हकीकत है ठीक है। मोटेशनों पे ना खेलें आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, अल्बाइनो क्रिमिनो डिकिनो बाबू सादी मोटेशन क्रीम उसे खेलें इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे, मार खाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मार नहीं खाएंगे इन पर। और कोशिश करें किसी के कंधे पे बंदूक ना चलाएं, कैसे कि लाइक भाई मैंने आपसे बर्ड ले लिया या फलाना मैंने आपसे बर्ड ले लिया या आपने बच्चे खेल दिया, नहीं भाई मार्केट में ही ना हो जाओ, मैं तो चोरी के बाहर लूँगा आपसे, आपकी 30,000 चीज़ मैं 20 पे लूँगा भाई, आप खुद मार्केट में ही हो जाएं, यूनिट पे जाएं, लोगों से मिलें जुलें इधर उधर भागें, व्हाट्सएप पे लोगों से नंबर पर रबते करें, फेसबुक पे जाएं वहाँ पे सर्च मारें ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे लोगों से वैसे डिस्कस करें भाई कैसे हैं ठीक अपनी पोस्ट लगाएं, मार्केट में इन हो खुद बेचें मज़ा लें। और भाई आप लोग मेहनतें करते हैं, हम लोग जो है ब्रोकर जितने ब्रोकर लोग हैं मज़े वो लेते हैं, आपकी मेहरबान मार्केट में भी इन हुआ करें, कुछ छोटी छोटी पॉइंट हो गया छोटी चीज़ें कारोबारी उसूल है, जो कारोबार करना तो भाई ये भी एक कारोबार है बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है भाई, इसमें बड़ी कमाई है बहुत कमाई है, लेकिन जब इसको आप समझें ठीक है, इसको आप समझें इसको कैसे कैसे खेलना आगे मार हम वहाँ खाते हैं कि जब लबड़ की जो मोटेशन आपको होता है हर साल में लाखों वाली चीज़ 20,000 रुपये आती है, तो न्यू कैंसर को हम लोग जो है बड़े माजर के साथ नाम किसी के ना मैं अपना नाम ही ले रहा हूँ कि हम उसको वो चीज़ लगाते हैं जिसकी मार्केट डाउन हो रही होती है, ग्रीन ग्रीन ऑफलाइन ब्लू ऑफलाइन वो जो है अब डिलूट नीचे आ गया सारा कुछ आ गया, अब लोगों को लगा रहे हैं ब्रीडर बेराम लगा रहे हैं, वो बेचारे ब्रीड लेते हैं 5,000-4,000 का बच्चा और ये लोग न्यू म्यूटेशन निकाल के बैठ जाते हैं, ब्लूटूथ है ब्लू है भाई स्प्लिटों को ब्लूटूथ बना लिया उन्होंने, स्प्लिट ही है क्रीमिनो क्रीमिनो स्प्लिट लगा लें स्प्लिट ही है लाजमी बात है, जो स्प्लिट होगा वो बच्चे उस तरह के निकालते हैं, तो 1.5 लाख वाली चीज़ आपने लेनी है आप बस क्या कहूँ यार, माजर के साथ दो में याद रखिएगा इंशाल्लाह अगला मौसम शिफ्ट चेंज हो रहा है, अब मैं सॉफ्ट फूड के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि अब सॉफ्ट फूड जो है ना अब मौसम चेंज होने के लिए क्या क्या इसमें चेंजिंग करें जो करना है इंशाल्लाह ताला, मेरी उम्मीद है कि इतवार वाले दिन अगली वीडियो मैं उस पर बनाऊँ, जुमे का दिन है जुमा मुबारक हो बड़ा बरकती दिन होता है, तो दो में याद रखिएगा